कि बहुत लोगों का कॉल और मैसेज मुझे आने लगा है कि भैया मनीष भैया का क्या होगा, मनीष कश्यप कब आएंगे और मनीष कश्यप के बारे में आप क्या कर रहे हैं, कुछ हमें बताइए। तो मैं बता दूं मेरे दोस्त कि मनीष कश्यप जिस केस में गए थे उस केस में तो उन्हें डाला ही गया था, और वो केस क्या है क्या नहीं वो गवर्नमेंट जाने, क्योंकि ऐसे बोलने से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं मिलने गया था तो मुझे जेल जाना पड़ा था। लोग पूछते हैं मेरे से कि भैया क्या हुआ था, क्यों आपको जेल डाला गया। मैं जवाब नहीं दे पाता हूं कि मैं मिलने गया था इसके लिए जेल डाला गया, या मिलने के वक्त जो वीडियो बन करके हर जगह चला था उसके लिए जेल डाला गया, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है मुझे तो। और मैं बोल भी नहीं पाता हूं, और मैं बड़ा सम्मान करता हूं प्रशासन के लोगों का, सभी का, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी प्रशासन के लोगों ने मुझे सम्मान के लायक नहीं समझा। मैं गिरे हुए सड़क पे गिरे हुए एक्सीडेंट हुए प्रशासन का मैंने जान बचाने का काम किया था, और ये पटना एसएसपी की नजर में भी था कि मैंने एक मदद किया, लेकिन फिर भी मेरे कुछ भी कहने पे और ना गलत होने पे हुए पे मुझे जेल जाना पड़ा था। तो मैं बता दूं कि मनीष कश्यप के केस में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन बस इतना मुझे पता है, मुझे प्रभु श्री राम पे महादेव पे विश्वास है कि कानूनी प्रक्रियाएं जो चलेंगी उसके द्वारा ही हमारा भाई हम सभी के बीच आएगा, और आज वो परेशान है बहुत ही, सभी को जान रहे हैं मनीष बहुत परेशान है। अब किस प्रकार से वहां रहता होगा, मनीष से मिलने कौन जाते होंगे कौन नहीं पता नहीं, और वहां की भाषा मनीष समझ नहीं पाता होगा, और किससे बात करता होगा ये समझ में नहीं आता होगा कि मनीष बात भी करे तो किससे करे। बस मैं यही चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं बिहार सरकार से, हम लोग बहुत नीचे तबके के इंसान है, हमारे पास इतनी पृष्ठभूमि नहीं है कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, आपसे प्रार्थना है कि मनीष को बिहार बुला लीजिए, रिक्वेस्ट है, हम लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, एक बेटा होने के चलते, एक बिहार का बेटा होने के चलते हम सभी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, मनीष को बिहार बुला लीजिए, मनीष के परिवार को बचा लीजिए, हम सभी की रक्षा करिए, क्योंकि हम सभी बिहार में हैं तो अपने आप को बिहारी कह रहे हैं, लेकिन अब ऐसा कभी कभी महसूस होने लगा है कि बिहार छोड़ के हमें चले जाना चाहिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग बिहार छोड़ के चले जाए, या घुट घुट करके जो जीवन जी रहे इससे खत्म कर दिए सारा चीज, तो हम लोग चले जाएंगे बिहार छोड़ करके, क्योंकि अगर बिहार में ही हमें अपना नहीं समझा जाएगा और बिहार में ही हर चीजों को लेकर दरकिनार किया जाएगा तो फिर कहां जाएंगे। लोग हैं, लोग समझते हैं, समझदार लोग हैं बहुत बिहार में, उनसे बस यही कहूंगा कि आप समझदार व्यक्ति हैं तो अगर बच्चा अगर कोई गलती करता है तो उसका आप अपने पैर को काट नहीं देंगे, अगर आपके पैर पे वो मलमूत्र कुछ कर देता है तो पैर को काटते नहीं है, तो उसी प्रकार अगर मनीष से कुछ गलती हुई होगी तो उसको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन अपने देश से अपने राज्य से दूसरे राज्य में भेज करके ऐसा मत करिए आप लोग, ऐसा करिएगा तो फिर बहुत लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा कि हम इस बिहार में रह रहे हैं और बिहार सरकार हमारा है, इस बिहार के नागरिक हैं हम। यही सब बातें हैं और बस निवेदन है, प्रार्थना है आप सभी से, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से, नीतीश कुमार जी से, कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपको हर चीज अवगत है, आप हर चीजों को जानते हैं, आप कहते हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, तो मनीष को बुला करके अपने बिहार का अस्मिता बचा लीजिए, बिहार में रह रहे लोगों की अस्मिता को बचा लीजिए, क्योंकि बिहारी होने के नाते हम सभी भी आपके बेटे हैं, बिहारी होने के नाते मनीष भी आपका बेटा है, तो इस बिहार को बचाने के लिए मनीष को बुला लीजिए बिहार, आप सभी से प्रार्थना है। आखिर जेल में मनीष वहां रहे चाहे यहां रहे, अगर जेल गया है तो बेल के द्वारा ही आएगा बाहर, तो कम से कम उसे बिहार बुला लीजिए, आप सभी प्रार्थना है आप सभी से, और बिहार सरकार से हम लोग प्रार्थना करते हैं, बिहार गवर्नमेंट से इस वीडियो के माध्यम से कम से कम नीतीश कुमार जी तक आप सभी बात को पहुंचाने का प्रयास करिएगा, नीतीश कुमार अपने घर के एक बेटे को बाहर ऐसे ना रखे, उसे भी यहां बुला लें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम।